ना मैं बता दूं ये क्यों होता है। ये मैंने एक इमेज लगा दी यहाँ पे, और अभी तो इमेज के चैप्टर पे बाय द वे हम पहुँचे नहीं हैं, लेकिन जस्ट मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक इमेज उठा लेते हैं हम जल्दी से, चुन्नी मुन्नी सी। ठीक है, ये इमेज मैंने उठा ली यहाँ पर से, और ये मैं ला के यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, लोगो डॉट पी एन जी इस इमेज का नाम है। अब ये जो एस आर सी है ना, इसमें आप क्या लिखोगे, डॉट स्लैश और लोगो डॉट पी एन जी लिखोगे, राइट। ठीक है, अच्छा ये गो लाइव का बटन दबाया मैंने, तो इससे लाइव सर्वर चल जाता है और स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये आ गई आपकी यहाँ पे पिक्चर बनी हुई जो मैंने इमेज लगाई है। अच्छा, अब ये गूगल क्रोम का ना इंस्पेक्ट एलिमेंट देखो मैंने खोला हुआ है, इसको गौर से देखना। नेटवर्क के टैब में गया मैं और इसको क्लोज किया। जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा ना, तो ये देखो लोगो डॉट पी एन जी क्या होता है, बाकायदा डाउनलोड होता है। ठीक है, और इसका ये यू आर एल देख रहे हो, ये इसका यू आर एल है। ठीक है, और अब एक चीज़ बहुत गौर से समझने वाली है, वो समझने वाली चीज़ ये है कि ये जो डॉट स्लैश है ना और सिर्फ स्लैश, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सही है, लिनक्स के अंदर ये दोनों बातें अलग अलग हैं, डॉट स्लैश और सिर्फ स्लैश। अच्छा, लेकिन यहाँ पे आपको फील नहीं होगा, यहाँ पे आपको लगेगा सेम है, यहाँ पे आपको सेम लगेगा, लेकिन ये सिर्फ स्लैश का मतलब क्या है कि जो भी यू आर एल है, मिसाल के तौर पे आपका जो यू आर एल है वो https://mycv.github.io, नहीं सॉरी, जो भी आपका यूज़र नेम है मेरे ख्याल है वो पहले होगा, malik@github.io.mycv, ये आपकी रिपोजिटरी का नाम हो गया लास्ट में mycv। तो अब अगर आप सिर्फ स्लैश लगाएंगे ना, तो इसका मतलब ये होगा इसका मतलब ये होगा कि इधर स्लैश लगा के क्या किया जाए, लोगो डॉट png किया जाए, ये मतलब होगा नहीं। सही है, अभी मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ कि दोनों का क्या मतलब है। एक है डॉट स्लैश, डॉट स्लैश का मतलब है उसी फोल्डर वाला। तो अब मुझे ये बताओ कि इसमें से अगर ऐसा वाला URL क्रिएट होगा तो क्या आपका ये png डाउनलोड हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी साइट ना mycv तक है। अच्छा बाय द वे, आप अभी mycv तक करके खोलते हो ना, एक्चुअल में क्या है, आपको index.html, ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आप लिखते हो ना mycv तक, तो इसके आगे ये index.html खुद लगा लेता है। ठीक है, एजम्पशन चल रही होती है, तो index.html का पेज उठा के ले आता है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर logo.png ऐसे बना है तो लोगो सही डाउनलोड हो जाना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स और लोगो एक ही लेवल पर पड़ा हुआ है। अच्छा, लेकिन इस वाले से होता ही है कि ये ऐसा वाला क्रिएट करता है, बेस URL के आगे इसको स्लैश करके लगा देता है, इससे होता ही है। तो अब क्या ये वाला जो URL है इससे लोगो डाउनलोड होगा प्रॉपरली, नहीं होगा। सही है, तो अब इसको देखते हैं कि भाई सिर्फ स्लैश आप लगाओगे तो ऐसा वाला URL क्रिएट करे, मतलब ऐसे वाला URL का मतलब है कि जो भी बेस URL है ना उस पर डायरेक्ट स्लैश लगाएगा ये। ठीक है, तो बेस URL तो आपका .io तक है, और आप डॉट स्लैश लगाओगे तो जो URL होगा वहाँ से शुरू करेगा, मतलब यहाँ इस फोल्डर से या इस पाथ से और आगे। तो ये वाला जो URL है ये करेक्ट है, ये वाला URL रॉन्ग है। अच्छा, हमारे इस केस में हमें क्यों नहीं फील हो रहा, क्योंकि हमारे केस में आप अगर नेटवर्क के टैब में जाएंगे तो हमारा जो बेस URL है वो क्या है, वो ये 5500 तक है, इतना हमारा बेस URL है। तो अगर वो बेस URL के आगे logo.png लगाता है, या वो क्या कहते हैं जो अभी जितना URL है उसके आगे, तो बात तो एक ही है हमारे केस में, लेकिन जब GitHub पे पहुंचता है तो बात चेंज हो जाती है। तो हमें हमेशा किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, हमें हमेशा डॉट स्लैश का इस्तेमाल करना है इमेज लगाते हुए। ठीक है, अच्छा डॉट स्लैश को छोड़ के ये जो गलत वाला है ना, ये मैं ज़रा करके आपको पुश करके दिखाना चाह रहा हूँ अभी। ठीक है, मैंने कहा कि रॉन्ग रिलेटिव URL, सही है, रॉन्ग रिलेटिव URL लिख के मैंने पुश कर दिया इसको।
अच्छा आपने वैसे टर्मिनल से करना है फिलहाल, ये वाला फीचर भी है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि आप फिलहाल के लिए टर्मिनल से पुश करें। अच्छा, और मैं अब जाने की कोशिश करता हूँ अपने गिटहब के प्रोफाइल पर, जो वो रिपॉजिटरी है, रिपॉजिटरीज, और ये B9 वेब डेव आपका आ रहा है फोल्डर, ठीक है, ये इसका URL है। अच्छा, एक्शन में देख लेता हूँ, वो पुश हो गया। अच्छा, अभी हो रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चल रहा है, चल जा भाई, आज ही की डेट में चल जा। चलो भाई, ये हो गया डिप्लॉय। अच्छा, अब मैं ये वाला URL खोलता हूँ, और ये वाला URL मैंने जैसे ही खोला तो इमेज नज़र नहीं आ रही है। एम्प्टी कैश है, हार्ड रिलोड किया तो भी इमेज नज़र नहीं आ रही है। अब मैं नेटवर्क के टैब में जाके देखता हूँ तो ये क्या हुआ है, यहाँ पे लोगो डॉट पी एन जी पे 404 हो गया, ये इसको मिल ही नहीं रहा। ठीक है, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि URL कैसा वाला बना है, github.io/logo.png हो गया, जो कि रॉन्ग URL है। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि इसके आगे लगा हुआ होता logo.png, तो इसके आगे मैं जैसे ही लगाता हूँ देखो लोगो मिल गया मुझे, ठीक है, तो इसी के आगे logo.png लिख के उसको उठाना था। अच्छा, अब देखो वापस आता हूँ मैं और यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश लगा देता हूँ। ठीक है, ये दोनों कॉमेंट, असल में ये JavaScript वाला कॉमेंट मैंने लगा दिया, HTML में ना कॉमेंट ऐसे नहीं होता, ठीक है, ऐसे होता है। तो मैं इसको अब ज़रा सही करके ना मैं वापस भेजता हूँ और देखते हैं फिर कि क्या रिपोर्ट है। सही है, तो मैंने सही करके मैंने कहा कि करेक्ट और अब मैं जाके दोबारा से इसको देखता हूँ एक्शन में कि ये कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, देखो जैसे ही पुश हुआ ऑटोमेटिक उसने शुरू कर दिया डिप्लॉय करना। चलो भैया, डिप्लॉय हो गया। अब मैं इधर आता हूँ इस पेज पे और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे ही रिफ़्रेश किया इमेज आ गई मेरे पास। ठीक है, अब इस इमेज पे ज़रा क्लिक करता हूँ मैं, तो आप नोट करें कि अब की बार URL क्या बना है, जितना ऑलरेडी ब्राउज़र के एड्रेस में लिखा हुआ था ना एड्रेस बार में, उसके आगे लगा है वो, तो डॉट स्लैश और सिर्फ स्लैश, ये क्या मतलब है इसका, दोनों का अलग अलग मतलब है। ठीक है, तो आपने अभी आपको समझ में आ गया तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि कब आपको कौन सा वाला यूज़ करना है। ठीक हो गया।